दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ झांसी में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए हैं और ठीक ये घटना मेरे साथ जोधपुर में घटी थी जब मैं करीब 7 साल का था। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है और जब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो डर की एक लहर शरीर में फैल जाती है। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और हाल ही में मेरे 3rd क्लास की शुरुआत थी। यही कोई 1 या 1.5 महीना बीता और मेरे 1st एग्ज़ाम आए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे स्कूल की 2 शिफ्ट चलती थी, एक सुबह 7 से 12 और दोपहर 1 से 6। तो ठीक, मैं और मेरा भाई रोहित हम साथ में ही स्कूल जाया करते थे। तो ठीक, मैं वापस आता हूँ। जिस दिन मेरा 3rd पेपर था उस दिन हम दोनों अपनी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हुए और जाने के लिए रेडी हो चुके थे। उस दिन माँ को भी सामान खरीदने मार्केट जाना था और ठीक मार्केट हमारे यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ ने हमें बताया था कि जब तक तुम दोनों टेस्ट देकर वापस आओगे तब तक सामान लेकर मैं मार्केट से वापस आ जाऊँगी। ताला लगाकर जा रही हूँ, तुम लोग ज़रा सी भी शैतानी मत करना। दोस्तों, ये कहकर माँ ने ताला लगाया और हम दोनों भाई बस्ता लेकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़े। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हमारा स्कूल आ जाता था। हम दोनों ठीक स्कूल पहुँचे तो हमने देखा कि ज़्यादा बच्चों की भीड़ नहीं थी। उस वक्त हमने सोचा कि ऐसा कैसे, आज तो टेस्ट है। खैर, हमने बिना सोचे समझे क्लासरूम में जाना ही सही समझा। लेकिन तभी एक टीचर ने हमें रोका और कहा कि सुनो, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि आज टेस्ट है मैम, सो हम क्लास में जा रहे हैं। मैम ने कहा कि आज टेस्ट कैंसिल हो गया है कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। प्रिंसिपल सर ने आज छुट्टी दे रखी है, टेस्ट कल होगा तो तुम लोग कल आना। दोस्तों, हम तो खुशी थे, हमें छुट्टी मिल चुकी थी। हम दोनों शांति से बाहर आए और इतने खुश हुए कि बयां नहीं कर सकते। हमने सोचा कि घर चलते हैं, घर जाकर ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून देखेंगे। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद याद आया कि माँ तो घर पर नहीं है, घर पर ताला लगा होगा। समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। चलते चलते यही सोचकर हमने अपना रास्ता बदल लिया और एक पार्क जो कि ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता था, हमने वहाँ जाने की सोची। दोस्तों, वो पार्क हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन हम ठीक दोनों भाई पैदल वहाँ तक चले गए। आपको बता दूँ कि वो थोड़ा पॉश इलाका था जहाँ पर दोपहर के समय लगभग ज़्यादातर लोग बाहर नहीं आते थे। उस वक्त मैं और रोहित दोनों अकेले ही थे। वो पार्क पूरा का पूरा खाली था और झूले भी खाली ही पड़े थे। ये सब देखने के बाद हम पार्क की बाउंड्री से जंप करके पार्क के अंदर एंटर हो गए। हम सीधा भागते हुए झूलों का मज़ा लेने लगे। कुछ समय तक हम ऐसे ही साथ में खेलते रहे, लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया कि एक जगह मेरी नज़र बार बार जा रही थी, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बड़ी ही अजीब थी। आपको बता दूं कि वो पार्क 2 पोर्शन में बटा हुआ था, एक में झूले और दूसरे में गार्डन और एक मंदिर। मैंने देखा कि मंदिर का चबूतरा जो कि कम से कम 3 फीट का था, जिसके ठीक ऊपर मंदिर बना हुआ था, उस चबूतरे के उल्टी साइड मुझे एक सर दिखाई दे रहा था, एकदम काले बालों वाला। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत उस तरफ मुड़कर खड़ी हो। सच कहूँ तो मुझे वहाँ थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि कई बार मेरी नज़र वहाँ पर गई, लेकिन वो जो कुछ भी था वो वैसे का वैसे ही थड़ा। और तो और, मैंने इस ग्रीन पार्क के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। वो अफवाहें ये थी कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ किडनैप कर लिया जाता था। बाकी और मुझे कुछ मालूम नहीं था। खेलते वक्त मैंने रोहित से कहा कि देख रोहित, तुझे क्या वहाँ पर एक औरत का सर दिखाई दे रहा है? रोहित ने मुझसे कहा कि कहाँ? मैंने कहा उस मंदिर के अपोजिट साइड देख। रोहित ने कहा कि यार लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। कहने लगा कि कोई बात नहीं, चल चलकर देखते हैं, वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने उससे कहा कि मैंने कई जगह सुना है कि यहाँ ऑलरेडी कई बच्चे किडनैप हो चुके हैं, कहीं हम भी गायब ना हो जाएं। लेकिन रोहित कहने लगा कि चल ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, तू यहीं रुक। वो इतना कहकर उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, मुझे मेरी भाई की फिक्र हो रही थी, मैं लगातार उसे बार बार रोकने लगा, पर वो थोड़ी ही दूर चला ही था कि मैंने कहा कि सुन, क्या तुझे अब भी अच्छे से नहीं दिख रहा? तू छोड़ ये सब, चल निकल चलते हैं यहाँ से। सच कहूँ तो जब उसने भी ये सब देखा था तो कहीं ना कहीं डर तो वो भी गया था। खैर, हम दोनों ने चुपचाप
अपने कदम पीछे लिए और हम ठीक उस पार्क की बाउंड्री तक पहुंच गए। उस वक्त हम दोनों ने जल्दबाजी में बाउंड्री पार की। उसी बीच आखिरी बार मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा। दोस्तों आप यकीन कीजिएगा, वो सर पहले के मुकाबले बड़ा और उठा हुआ हमारी तरफ देख रहा था। यकीन कीजिए, मैंने आधे बालों से ढके चेहरे वाली औरत को देखा। उसे देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शुरुआत से ही हमारी तरफ ही देख रही थी। शायद वो चाहती थी कि हम उसकी तरफ आए, और उसके बाद वो हमारे साथ क्या करे ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों जब हम दोनों ने देखा तो मैं और मेरा बड़ा भाई जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागे। हम लगातार काफी दूर तक भागते रहे। आखिरकार हम उस इलाके तक पहुंचे गए जहां अब लोगों की चहल पहल थी। सच कहूं तो हमने वहां पहुंचने के बाद राहत की सांस ली, और ठीक जब हम घर पहुंचे तो माँ भी उस वक्त घर पर आ चुकी थी। दोस्तों ये बात मेरे और मेरे भाई के बीच अभी भी ताज़ा है। हम वो दिन कभी नहीं भुला सकते, आज तक भी नहीं। अब पता नहीं आपको ये कहानी सच लगी या झूठी, लेकिन ये मेरी रियल स्टोरी है। और ठीक मैंने इस कहानी में जो नाम और पता बताया है वो एकदम रियल है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। बाकी इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अंकित यादव की कहानी। हालांकि इनकी कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, मगर जो भी इनके साथ हुआ वो बड़ा ही रोचक था। खैर अभी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शिल्पा है, मैं विजयपुरा कर्नाटका से हूँ। आप सभी को मैंने 3 से 4 कहानियाँ पहले भी भेजी हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। खैर ये बात 1988 की है, जब मेरी माँ पेट से थी। माँ के साथ उनकी छोटी बहन थी जो कि 10th क्लास में पढ़ रही थी। उस वक्त माँ का 3रा महीना चल रहा था, तो पिताजी ने सोचा कि उनको अपने मायके में अच्छा केयर मिलेगा। वो ठीक अपनी छोटी बहन के साथ माँ को रेलवे स्टेशन पर ले गए। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बचा हुआ था। माँ को बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी। पिताजी वहीं पास के होटल से खाना लेने के लिए चले गए। उस वक्त माँ और मेरी मासी बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी औरत माँ के ऊपर लाल मिर्च फेंक कर गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। सच कहूँ तो माँ और मासी बहुत डर गए थे। उस औरत ने काली साड़ी पहनी थी और तो और बाल भी खुले थे। उसके माथे पर बहुत बड़ी लाल बिंदी थी। उसका होलिया कोई काला जादू करने वाली औरत जैसा था। खैर जैसे ही उसने लाल मिर्च फेंकी तो माँ और मासी डर के मारे बहुत तेज चिल्लाई। आवाज़ इतनी तेज थी कि पिताजी भी होटल से बाहर आ गए। ठीक हम जहाँ पर बैठे थे उस होटल के दरवाजे से हमारी जगह साफ दिखाई देती थी। पिताजी भागकर हमारे पास आए, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। माँ ने सारी घटना पिताजी को बताई और ठीक माँ को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। देखा तो खून था। दोस्तों इसका मतलब ये था कि माँ का मिसकैरेज हो चुका था। माँ डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। पापा और मासी उनकी हालत देखकर बहुत डर गए। हालांकि उस वक्त भीड़ भी हो चुकी थी। माँ को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दोस्तों ये मेरी माँ की दूसरी मिसकैरेज थी। अब दोस्तों मैं कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं उसमें मैंने आपको जितनी भी बातें बताई आप शायद इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। सच कहूँ तो नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार उस औरत को किसने भेजा और वो मेरी माँ के सामने ही क्यों आई, ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों मेरा नाम आदित्य है, मैं आपका अवगत करता हूँ आज की अपनी एक खतरनाक कहानी से। आपको पहले ही बता दूँ ये एक सच्ची और भयानक घटना है। दोस्तों साल 2020 में मैं अपने गांव में था, और मेरा गांव एक रेलवे लाइन के बगल में है जहाँ एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन लगातार आया जाया करती हैं। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद से गाँव का कोई भी युवक अपने घर से निकलने से कतराता था। एक वजह ये थी कि रेलवे लाइन होने के कारण कितने लोग वहाँ पर कटे जा चुके थे, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जानता था। मैं अनजाने में शाम को अपने एक दोस्त के साथ वहाँ घूमता रह गया।
बातों ही बातों में मैं भूल गया कि सूर्य ढल चुका है और शाम अपनी दस्तक दे चुकी थी और रात हो चुकी थी। उस वक्त करीब 6:30 हो रहे होंगे, लेकिन ठंड का मौसम होने के कारण अक्सर रात जल्दी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरा दोस्त वो एकदम निडर था, वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उस वक्त अचानक मुझे टॉयलेट लगी और ठीक मैंने उससे रात वाली बात कही। उसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम इसी रेलवे लाइन पर टॉयलेट करके आ जाएं। दोस्तों, मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैं ठीक उसके साथ साथ चलता रहा उसी रेलवे लाइन पर। थोड़ी ही देर में हम थोड़ी दूर दूर पर खड़े होकर अपने अपने काम में लग गए। रेलवे लाइन पूरा सुनसान था। हमें थोड़ी ही दूरी पर सिग्नल रेड हुए दिखाई दे रहे थे। इतने में मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक पैर कटा हुआ था, वो इसी कारण थोड़ा लंगड़ाकर और एक डंडे के सहारे चल रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था और ठीक उसने हंसते हुए पूछा कि अरे बेटा, ये सागरपाली गांव किधर पड़ता है? एक बार को तो मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है ये बूढ़ा व्यक्ति सोच करने आया होगा और इस अंधेरे में अपने गांव का रास्ता भूल गया होगा। मैंने अपनी उंगली से इशारा किया और दिशा दिखाकर बोला कि इस और चलते जाइए, आपको एक कुआं दिखेगा, वही गांव स्टार्ट है। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम यहाँ अभी नए आए हो? मैंने एकदम अकड़ में जवाब दिया, कुछ दिनों के लिए आया हूँ और वो भी दिल्ली से। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, यहाँ रात को आया जाया मत करो, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, ये सब बातें चली ही रही थी कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कितनी देर तक टॉयलेट करेगा, घर भी जाना है। मैंने उसको पीछे मुड़कर जवाब दिया, बस अभी आया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने दोबारा पीछे देखा तो मेरा दिल दिमाग शरीर एकदम सुनसान हो गया। वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। नहीं मालूम मैं इतनी देर तक किससे बात कर रहा था। क्या ये सब कुछ मेरा भ्रम था? आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या वो कोई आत्मा थी? दोस्तों, कुछ भी हो, पर उस वक्त मेरा तन और मन सब कुछ दहल चुका था। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। कुछ देर सोचने के बाद मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने जाते ही उससे एक सवाल किया। मैंने पूछा, क्या वो तुझे दिखा? दोस्त ने तुरंत कहा कि कौन? बस इतना सुनने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं ठीक उसका हाथ पकड़कर अपने गांव की तरफ तेजी से बढ़ा। मैंने घर पहुंचकर ये सारी बातें अपने सभी परिवार वालों को बता दी। पर दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन हमें पता चला कि रात को एक बूढ़े आदमी की लाश मिली जो कि 2 दिन से रेलवे की पास की झाड़ी में सड़ रहा था, और तो और उसकी लाश को जंगली जानवर आधा खा चुके थे। दोस्तों, तब जाकर मेरा ये शक दूर हुआ कि वो मेरा वहम और कल्पना नहीं थी। गांव वालों ने ये कहा कि वो एक नेक इंसान था जिस पर बहुत पैसों का कर्ज था, इसीलिए शायद उसने आत्महत्या की होगी। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी हो, ये घटना मैं नहीं भूल सकता और आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि रात को रेलवे लाइन पर ना घूमें। सच कहूं तो आपको ये कभी भी भयानक घटना से अवगत करा सकता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रेलवे ट्रैक की कहानी। वाकई रेलवे ट्रैक बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि ना तो आप उसको रेल आते समय पार कर सकते हैं, और तो और रेल की पटरियों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर गलती से कोई बीच में आ जाए तो आपके शरीर का एक एक हिस्सा वो बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग ऐसी मौत मर जाते हैं जिसके बाद उनकी आत्माएं दूसरों को दिखाई देती है। खैर, अभी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। बाकी आपको जो भी लगता हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है, मैं नंदा नगर इंदौर में रहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर सुने। ये कहानी मैं और मेरे भाई और उसके एक फ्रेंड की है, मेरे फ्रेंड हार्दिक और दीपांश और मेरा बड़ा भाई भावेश। हम तीनों अक्सर साथ में ही रहा करते थे और हमारी फैमिली भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी। एक बार हमारी फैमिली ने साथ में मिलकर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। प्लान भोपाल जाने का था।
हम सबके सब बहुत खुश थे, क्योंकि दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का मौका सिर्फ साल में एक बार ही मिलता है। हम सभी साथ में घूमने गए, हमने एक टवेरा भी बुक की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं आ पाई। इसके बाद सबके सब सैड हो गए। फिर सबने मिलकर चार गाड़ियां बुक कर ली, जिसमें तीन कार में सब फैमिलीज बैठ गई और एक कार में हम सब बच्चे। दोस्तों, घूमने के बाद जब हम वापस घर के लिए निकले तो ठीक हमारी कार सबसे पहले घर पर आ गई, लेकिन हमारी फैमिलीज की गाड़ियां हाईवे के बड़े ट्रैफिक में फंस गई। और जब ठीक फ़ोन लगाकर पूछा तो सबने यही कहा कि ट्रैफिक क्लियर होने में सुबह हो जाएगी, तुम एक काम करो, बगल वाले घर में हमने डुप्लीकेट चाबी दी है, तुम वहाँ से चाबी लेकर घर पर चले जाओ। दोस्तों, हम क्या करते, फिर मेरे भाई और हार्दिक भाई ने प्लान बनाया कि आज की रात हम नाइट आउट करेंगे। हमने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया। घर के अंदर जाकर हमने सारा सामान उठाया, जिसके बाद हम बेहद खुश थे। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। हम सब ने क्रिकेट का सामान लिया और तो ठीक हार्दिक भाई के घर के वहाँ एक ग्राउंड है जिसमें हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, हम ठीक उसी ग्राउंड पर चले गए। उस ग्राउंड को गोल्स स्कूल कहा जाता है। अक्सर कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर एक भूतिया स्कूल है, लेकिन हम कई सालों से वहाँ क्रिकेट खेलते आ रहे थे, इसलिए हमको डर नहीं लगा। लेकिन एक अजीब ही बात थी, वहाँ के स्कूल का गेट हमेशा खुला ही रहता था। हम ठीक उस स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलने गए। क्रिकेट खेलते खेलते हमें 2 से 3 घंटे हो गए और रात के 12 बज गए। धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, आँखों में नींद आ रही थी, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम ठीक जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुँचे तो हमने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी ग्राउंड की तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर हम सबके सब डर गए। हम सोच रहे थे कि अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमारे माता पिता को सब पता चल जाएगा। हम ठीक स्कूल का गेट खोलकर अंदर की ओर भाग गए। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त क्लास के एक रूम में जाकर छुप गए, लेकिन हार्दिक और मेरे बड़े भाई को पुलिस ने देख लिया था। वो ठीक पुलिस वालों की आवाज़ से भागते हुए रुक गए। हम उस वक्त ठीक खिड़की में से झांक रहे थे। हम ठीक ऊपर से नीचे हमारे भाई हार्दिक भाई को देख रहे थे। वो उस वक्त पुलिस वालों से बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतने में ही जिस क्लास रूम में हम छुपे हुए थे वहीं से रोने की आवाज़ सुनाई थी। हमें लगा दीपांश शायद अंधेरे की वजह से बहुत ज़्यादा डर गया होगा, इसीलिए चुपचाप रो रहा होगा। आपको एक बात बता दूं कि दीपांश अंधेरे से बहुत डरता है, और तो और वो किसी से ज़्यादा चिपकता भी नहीं है। वो अक्सर हर किसी से 10 कदम की दूरी पर ही खड़ा रहता है। हम तुरंत ही क्लासरूम के अंदर गए। हमने धीरे से दीपांश को आवाज़ दी, उससे पूछा कि रो क्यों रहा है, ऐसा मत कर वरना हम पकड़े जाएंगे, एक काम कर जल्दी से हमारे पास आ। दोस्तों, वो एकदम से सबसे लास्ट वाली बेंच में खड़ा हो गया। हम ठीक उसके पास जाने लगे। हमने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो हाथ बहुत गर्म था। उसने हमारा हाथ एकदम से झटक दिया। दीपांश ने कहा कि तू इतना गर्म कैसे है। मैंने तुरंत कहा कि धीरे बात करो, पुलिस से डर लग रहा है। सच कहूँ तो मैंने दीपांश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे अंधेरे में उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। हम सब क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ गए। दीपांश चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ से चली गई। हम सब तुरंत भागकर बाहर आए। हमने जैसे ही पीछे देखा तो हम उसको दीपांश ही समझ रहे थे, जबकि दोस्तों वो दीपांश था ही नहीं। हमने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो हमसे तकरीबन 10 कदम दूरी पर था। उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो हमसे ये कह रहा था कि जाओ, तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है, वो तो बस तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं तुम्हें मार नहीं पाया। तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम बच गए, वरना आज सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया। बाकी हम लोग अपना पूरा दम लगाकर इतनी तेज़ भागे अपने भाई के पास पहुँचे। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, भावेश भाई और दीपांश को देखकर हमारा एक दोस्त बेहोश हो गया। उस वक्त मैं पसीने में भीग गया था, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। हार्दिक भाई ने हमारे उस दोस्त को उठाया और वो उसे संभाल रहे थे। मेरा भाई लगातार मुझसे यही पूछ रहा था कि क्या हुआ, ये तो बता। उस वक्त दोस्तों हम कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे। हम सबको ऐसी ही हालत में
हार्दिक भाई के घर पर सुला दिया, लेकिन सुबह होने के बाद हमारा दोस्त हमारे भाइयों को सब कुछ बता चुका था। इसके बाद मेरे घर वाले हमको मंदिर लेकर गए। वहाँ बाबा ने हमें देखकर ही बुला लिया। बाबा ने कहा कि तुम कल रात इसीलिए जिंदा फंस गए क्योंकि तुम्हारे हाथों में बजरंग बली महाराज का पंचरंगी धागा पहना हुआ है। अगर ये सब तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होता। और रही बात तुम्हारे दोस्त की, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उसकी चपेट में आ गया। दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमने उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखी और कहा कि अगर स्कूल नहीं चल रहा है तो उसके गेट पर ताला लगा दिया जाए, ताकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ किसी और के साथ बिल्कुल ना हो। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी ये कहानी जल्द ही YouTube पर आए। धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आखिरी कहानी भी सुनते हैं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, कैसे आप सभी? आज की कहानी मेरे बड़े भाई की कहानी है। इस बात को करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं। मेरे बड़े भाई का नाम नितिन है। भाई बताते हैं कि रात के समय जब वो अपनी फैमिली के साथ छत पर सो रहे थे तो उनकी आंख रात को 12 से 12:30 बजे के बीच खुली। उस वक्त उनको ऐसा दिखाई दिया कि उनकी वाइफ उठ के नीचे जा रही थी और वो सोच रहे थे कि इतनी रात में ये कहाँ जा रही है। भैया उठकर ठीक उनके पीछे पीछे जाने लगे क्योंकि उनकी वाइफ ने सीढ़ियों से बस एक कदम ही नीचे रखा था। भैया जल्दी से उठे और सीढ़ी पर आए। उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि छत की सीढ़ी 2 से 3 कदम की दूरी पर ही थी। उस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार अचानक ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने ठीक सीढ़ी से नीचे की तरफ भी देखा, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं दिखा। इसके बाद जब वो वापस अपनी जगह पर आए तो अपनी वाइफ को देखकर हैरान हो गए। उस वक्त वो यही सोच रहे थे कि क्या सच में उनका वहम हो गया था या फिर कुछ और। आखिरकार वो चुपचाप सो गए। अगली सुबह भैया ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुम रात में उठकर नीचे आई थी। वाइफ ने कहा कि नहीं, मैं रात को नहीं उठी, और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद भैया ने रात को जो कुछ भी हुआ अपनी वाइफ को साफ साफ बताया, पर कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को भी यही लगा कि भैया को शायद वहम हो गया था। जब रात हुई तो वो फिर से सोने के लिए छत पर चले गए। आज की रात भी उनके साथ वही हुआ। वाइफ उनके सामने नीचे जा रही थी, लेकिन इस बार भाई उठा और अपनी वाइफ के पीछे जाने लगा। इस बार जब वो सीढ़ियों के पास आया तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ नीचे की तरफ जा रही है। इस बार वो पहले की तरह गायब नहीं हुई। वो धीरे धीरे चुपचाप वाइफ के पीछे पीछे जाने लगे। साथ के साथ वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को आवाज़ भी दे रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं बोल रही थी और ना ही वो पीछे देख रही थी। भैया बस उनके पीछे चले जा रहे थे। भैया उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि उनके पीछे से आवाज़ आई। ये आवाज़ एक आदमी की थी। उसने कहा कि भाई साहब, किसे आवाज़ लगा रहे हो। भैया ने कहा, अपनी वाइफ को आवाज़ दे रहा हूँ। पड़ोसी भाई ने कहा कि अरे, वो तो ऊपर सो रही है। भैया ये बात सुनकर हैरान हो गए, और जब वो ठीक ऊपर आए तो उनकी वाइफ ठीक वहीं पर थी। भाई को परेशान देखकर उनके पड़ोसी ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। तब जाकर कहीं भैया ने बताया कि उनके साथ ये पहले भी 1-2 दिन हो चुका है। दोस्तों, पड़ोसी भैया ने बताया कि आप जिस कमरे में रहते हो उसके बाजू वाले कमरे में 3 से 4 साल पहले एक भाई बहन रहते थे। भाई लगातार काम करता था और उसकी बहन पढ़ाई, वो करीब 19 या 20 साल की थी। पेपर में कम नंबर आने की वजह से उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले भी आपकी तरह कई लोगों को ऐसा एहसास हुआ है, लेकिन ये बात सबको पता है। दोस्तों, बात सुनने के बाद भाई ने वो कमरा खाली कर दिया और ठीक उस बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर में कमरा ले लिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे भाई की वाइफ साथ में ही सोती थी, लेकिन उस टाइम उनको नहीं दिखाई देती थी क्योंकि उस टाइम वो उस लड़की की आत्मा के पीछे जाते थे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने छोटे भाई के बच्चों की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बात को 3 साल हो गए हैं जब लॉकडाउन ठीक से खुला भी नहीं था। कोरोना की वजह से मेरी सारी की सारी फैमिली गांव जा चुकी थी माता पिता के पास। इसके करीब 2-3 महीने बीतने के बाद गाँव में रहते रहते भरत के पास उसको जॉब का कॉल आया।
वो लोग उसे जॉब पर बुला रहे थे, लेकिन घर पर इतने दिन हो गए थे कि बैठे बैठे सारा बजट बिगड़ चुका था। भरत अपनी वाइफ जिसका नाम करिश्मा है और ठीक अपनी बेटी जिसका नाम टिम्मी है, वो उन दोनों को लेकर गांव से ऑटो करके गया। लेकिन आकर पता चला कि जॉब का टाइम और काम कम की वजह से पैसे भी कम हैं। लेकिन भाई ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए उसकी वाइफ और अपनी बेटी को अपने गांव भेज देता हूँ, तब तक इस कोरोना का डर भी कम हो जाएगा और तो और काम भी ठीक से चलेगा। भरत उन दोनों को गांव छोड़कर आ गया। लेकिन दोस्तों उसे मालूम नहीं था कि उसने ये कितनी बड़ी गलती की है। यही कोई 5 या 6 दिन बाद उसकी वाइफ का कॉल आया, कह रही थी कि टिम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। भरत को लगा कि शायद खांसी या जुकाम होगा। उसने कहा कि दवाई दे देना, बाकी घर में सब कैसे हैं। सब ठीक ठाक होने के बाद उसने फोन रख दिया। बस आखिर में उसने इतना ही कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, वहां पर बच्चों के साथ तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और टिम्मी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद भरत की वाइफ अपने भाई के साथ अपने घर चली गई, लेकिन टिम्मी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। ऐसा लगने लगा था मानो कि जैसे उसे किसी ने नशा दे दिया हो। जब जब बात बिगड़ती रही तब तब उसे डॉक्टर के पास भी ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर खून की कमी है, इसे खून चढ़ाना होगा। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत डर गई, कहने लगी कि छोटी बच्ची है ये, टिम्मी बस 1.5 साल की ही थी। उसकी माँ टिम्मी को लेकर अपने ससुराल भरत के घर पर आ गई और तो और उसने भरत के पास फ़ोन करके उसे सब कुछ बता दिया जो भी डॉक्टर ने कहा था। ससुराल वालों ने टिम्मी को दिखाया और वो भी डर गए। ऐसा लग रहा था मानो कि कब क्या हो जाए, पता नहीं चलेगा। माँ ने सोचा कि कसिया वाले बाबा की पूजा करेंगे। दोस्तों कसिया वाले बाबा की पूजा बच्चों की रक्षा करने के लिए की जाती है, साथ के साथ अच्छी सेहत के लिए भी। और ठीक शाम होते ही माँ ने सारा सामान रख के टिम्मी को अपनी बहू के साथ बैठने के लिए कहा। दोनों आराम से बैठ गए। माँ अगरबत्ती को जला रही थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, बीच बीच में माचिस बुझ जाती थी। उसी बीच माँ ने देखा कि जब जब ऐसा हो रहा है तो टिम्मी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों वो बच्ची जिसमें आँखें खोलने की ताकत नहीं थी और ना ही जान, सोचो वो ये सब देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। दोस्तों एक बात और, जब भी हमारे घर में कोई ऐसी मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं माँ को एहसास हो जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको पहले की कहानियों में भी बताया है कि मेरे पिताजी भगत हैं और वो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ अपने घर में जल्दी से नहीं करते। पर माँ ने पिताजी को अंदर बुलाने की बहुत कोशिश की, पर पिताजी बार बार टिम्मी को ठीक करने के लिए टाल रहे थे। कहने लगे कि जा सोनू को बुला ले, सोनू के पिताजी वो भी इसी काम में है। लेकिन दोस्तों माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी, वो भी चीखे मारने लगी। टिम्मी ये सब देखकर हंस रही थी, वो बार बार अपनी माँ की गोद से निकलकर इधर उधर भाग रही थी। सच कहूँ तो भाभी से टिम्मी संभाली नहीं जा रही थी। उसी वक्त भरत भाई भी घर पर आ गया। भाई तुरंत ही सोनू को बुलाकर लाया। सोनू माँ और टिम्मी दोनों को ही ठीक नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद जब पिताजी ने ये सब देखा तब पिताजी ने सोनू को कहा कि हट, तुझसे ये कुछ नहीं हो पाएगा। पिताजी ने सारे देवताओं को याद किया और तुरंत ही टिम्मी को पकड़ा। टिम्मी उस वक्त चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ। वो आत्मा टिम्मी के अंदर आ रही थी। वो अपने घर वालों को आवाज़ दे देकर बुला रही थी कि मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। लेकिन पिताजी समझ चुके थे कि ये कौन है। पिताजी ने तुरंत पूछा कि तू इस पर क्यों आई है। बोल, उस आत्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले ये सड़क पर खेल रही थी, ठीक दोपहर में ये मेरे सामने आ गई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसके ऊपर आई हूँ, मैं इसे अब लेकर ही जाऊँगी। पिताजी ने गुस्से में कहा कि तू कुछ भी नहीं ले जा पाएगी, मैं तुझे यहीं बांध कर रखूँगा। उसी बीच पिताजी भक्ति करने लगे और मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में उस आत्मा की आवाज़ आई कि मुझे मत बांधो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो शांत हो गई। दोस्तों सबसे मेन बात जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आत्मा तो वहाँ से चली गई, पर इसके बाद माँ अपने आप ठीक हो गई। माँ के ऊपर हमारे ही देव आए थे
सिर्फ और सिर्फ टिम्मी को ठीक करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि टिम्मी के ऊपर जो भी था वो पिताजी के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता था। बस मैं आपसे यही दुआ करूँगी कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।